नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नलिज्म गाइड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश टीवी द्वारा नए लॉन्च किए गए फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स जिंक सुपर एफटीए सेटअप बॉक्स। जी हाँ, ये ब्रांड जो है आपका नाम रहने वाला सेटअप बॉक्स का जिंक सुपर एफटीए। और इसमें जो है आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, क्या क्या ऑफर मिलने वाला है, उसी के बारे में हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये डिश टीवी द्वारा पहली बार ऐसा बॉक्स है जो कि फ्री टू एयर का लॉन्च किया गया है। इसमें किसी भी तरह का आपका नो अकाउंट बैलेंस का जो प्लेट आ जाता है टीवी चैनल देखते देखते वो नहीं आएगा। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है डिश टीवी ने इस बॉक्स को इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो ग्राहक डीडी फ्री डिश के चैनल्स को देखना चाहता है सिर्फ और सिर्फ वही इस सेटअप बॉक्स को खरीदे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि डिश टीवी ने जो बॉक्स लॉन्च कर दिया लेकिन इसे लगवाएगा कौन, इसमें ऐसा क्या खास है कि हम इस बॉक्स को लगवाएं। जबकि अगर बात करें तो हम डीडी फ्री डिश को काफी सालों से देखते आ रहे हैं। हमारे पास सोलिड के सेटअप बॉक्सेज हैं, हमारे पास पगारिया के हैं, वी जोन के थे, और भी बहुत कंपनीज थी जो कि हमारे डीडी फ्री डिश के बॉक्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं या आज भी आपके लिए बना रही हैं। तो हम वो बॉक्स इस्तेमाल करके डीडी फ्री डिश के चैनल्स को तो देख पा रहे हैं, तो हम इस सेटअप बॉक्स को क्यों खरीदें। तो देखिए दोस्तों, बताना चाहूंगा कि डिश टीवी ने यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है, एक ऐसा फीचर दे दिया है जो आपको बाकी किसी भी डीडी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में नहीं मिलेगा। यहां तक कि डीडी फ्री डिश का जो ओरिजिनल ऑथोराइज्ड सेटअप बॉक्स है ना आईकेएस का, उसमें भी ये आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सबसे पहली बात, इस सेटअप बॉक्स में आपको फायदा ये मिलेगा कि आप डीडी फ्री डिश के चैनल्स भी बिना किसी रुकावट के देख सकेंगे। अब डिश टीवी में आप देखिए क्या होता है, आपने डिश टीवी मान लीजिए लगवा रखा है और आपको मालूम भी है कि उसमें डीडी फ्री डिश के चैनल्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन जैसे ही आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो उसके बाद आपके टीवी स्क्रीन पर एक नो अकाउंट बैलेंस की प्लेट आ जाती है, जिसकी वजह से डिश टीवी के चैनल्स के साथ साथ आप डीडी फ्री डिश का कोई भी चैनल नहीं देख पाते हैं। और ऐसे में हमें कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है कि कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे हम डीडी फ्री डिश के चैनल्स अपने डिश टीवी के बॉक्स में देख पाएं। तो उसी के लिए डिश टीवी ने ये सेटअप बॉक्स लॉन्च कर दिया है कि जो कस्टमर केवल और केवल डीडी फ्री डिश के चैनल्स ही देखना चाहता है तो वह सेटअप बॉक्स को लगवा सकता है। इसकी आपको केवल वन टाइम जो है कॉस्ट पे करनी होगी और उसके बाद आपको हर साल की कॉस्ट वो पे करनी होती है। जो भी कह लीजिए कि बॉक्स आपके रेंटल स्कीम पर रहेगा जिसकी आपको कीमत देनी होगी। कितनी देनी होगी उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि बाकी सेटअप बॉक्सेस के मुकाबले इस सेटअप बॉक्सेस में क्या फर्क है। तो देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि डिश टीवी में बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं। डीडी फ्री डिश के चैनल्स तो मिलते ही हैं, साथ ही में ऐसे बहुत से पेड चैनल्स भी मिलते हैं जिसे हम सब्सक्राइब करके देखते हैं। मान लीजिए आपका एन टीवी है, जी टीवी है, सोनी है, कलर्स है, स्टार भारत है, आपका स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट है, स्टार स्पोर्ट्स वन है, स्टार स्पोर्ट्स टू है, ऐसे अनगिनत चैनल्स हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इन चैनल्स को देखने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। मान लीजिए आपके पास डीडी फ्री डिश का ये अपना सेटअप बॉक्स जो है आप जो देख रहे हैं अपने घर पर, उसमें केवल और केवल डीडी फ्री डिश के चैनल ही चलते हैं। लेकिन अगर किसी पेड चैनल को देखना हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको यहाँ पर इंतजार ही करना होगा कि जब तक वो डीडी फ्री डिश में भाग लेगा तभी वो देखने को मिलेगा, वरना आप कोई भी पेड चैनल नहीं देख सकते। लेकिन इस सेटअप बॉक्स में आपको यही फायदा है कि डीडी फ्री डिश के चैनल तो आप देखेंगे ही, साथ ही में आपको कोई भी पेड चैनल को सब्सक्राइब करने का मौका दिया जा रहा है। मान लीजिए आप जी टीवी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जी टीवी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सोनी देखना, सोनी देख सकते हैं, कलर्स देखना, कलर्स देख सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स इवेंट, मान लीजिए आईपीएल आ गया, अब आईपीएल के लिए आपको दूसरे डीटीएच कनेक्शन पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि इसी सेटअप बॉक्स में आप डीडी फ्री डिश के साथ साथ अपना कोई भी मनपसंद स्पोर्ट्स चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी सब्सक्राइब करना है तो उसी की कीमत दीजिए और उसके ऊपर से जो एनसीएफ होगा वो दीजिए, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब इसके जो प्राइजेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, देखिए डिश टीवी ने कहा है कि जो भी सेटअप बॉक्स को लगवाना चाहता है उसे अपने डीलर से संपर्क करना होगा। ये आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, फिलहाल केवल और केवल आपके नजदीकी डीलर के पास ही उपलब्ध होगा। तो आप अपने नजदीकी किसी भी डिश टीवी के डीलर के पास जाइए और उससे आप बात कीजिए कि आपके पास क्या जिंक सुपर एफटीए बॉक्स अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए की कीमत के बीच में इस सेटअप बॉक्स को लगवा सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो डिश टीवी का एंटीना होता है जो कि आपके छत पे लगेगा सिग्नल्स को पकड़ने के लिए, और एलन भी होता है, केबल वायर होती है, उसकी जो कीमत है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, यानी कि उसकी कीमत जो आपको अलग से पे करनी हो सकती है। तो सेटअप बॉक्स के साथ साथ आपको उसकी कीमत को भी प्लस कर लेना होगा। तो मैक्सिमम 1500 रुपए या 1800 रुपए के बीच लेकर चलिए, ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी
उसके साथ ही जो है आपको 2 साल के लिए डीडी फ्रीडिश के चैनल के साथ साथ कुछ पेड चैनल जो हैं वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कुल 230 से भी ज्यादा चैनल्स आपको यहाँ पर इस सेटअप बॉक्स में पूरे 2 साल के लिए फ्री मिलेंगे जैसे आप पहली बार इस सेटअप बॉक्स को अपने घर पर लगवाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, आपको मान लीजिए डीडी फ्रीडिश के चैनल्स के साथ साथ किसी भी पेड चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आपको उसकी कीमत और प्लस 18% की GST प्लस आपको 10 रुपीज जो है NCF वो आप आपका चार्ज किया जाएगा पर चैनल पर जो है आपको 10 रुपीज NCF लगेगा। यहाँ पर 153 रुपीज का जो NCF है पूरे 200 चैनल्स के लिए जो हमारे लिए लगता है वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हर एक चैनल के ऊपर 10 रुपए NCF दिया जा रहा है। मान लीजिए आपने कोई चैनल लेना है सोनी की, मान लीजिए कीमत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोनी की कीमत 10 रुपए है, 10 रुपए का चैनल है सोनी, और उसके ऊपर से जो है आपकी जो 18% की GST जो जितनी भी बनती होगी सोनी चैनल के 10 रुपए के ऊपर वो देनी होगी। और इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर 10 रुपीज NCF प्लस कर लीजिए, यानी पर चैनल के ऊपर आपका 10 रुपीज NCF इंक्लूड होगा और उसके बाद जो भी आपका प्राइस लगेगा वो आपको मालूम हो जाएगा। सामने आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया है कि आपको कितनी कीमत देनी होगी। तो पर चैनल के हिसाब से यहाँ पर आप कीमत पे कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 153 रुपए का रिचार्ज करवाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चैनल के लिए आप यहाँ पर पैसा देना चाहते हैं उसी चैनल के लिए आप यहाँ पर पैसा दें। इसके अलावा आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और महीने के बाद आप जब मर्जी बंद भी करवा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर डिश टीवी ने दे दिया है कि जो ग्राहक पेड चैनल भी देखना चाहता है सब्सक्राइब करके वो डीडी फ्रीडिश के साथ साथ पेड चैनल भी देख सकेगा, जबकि डीडी फ्रीडिश के सेट टॉप बॉक्स में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि डीडी फ्रीडिश में ई ऑक्शन के माध्यम चैनल लॉन्च होते हैं, जबकि डिश टीवी में आपको डीडी फ्रीडिश के चैनल्स भी मिलेंगे और साथ ही में पेड चैनल्स को सब्सक्राइब करके देखने का भी मौका मिलेगा। और उसके बाद आपको क्या क्या यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा ऑफर दिया जा रहा है वो ये है कि 1 साल की वारंटी मिलेगी सेट टॉप बॉक्स में नया कनेक्शन लगवाते वक्त। और साथ ही में जो है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके 2 साल की फ्री सर्विस कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आपको मैंने बताया नया कनेक्शन लगवाने पर 2 साल के लिए 230 से भी ज्यादा चैनल्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तो उसको खत्म होते ही आपको हर साल यहाँ पर रिन्यू करवाना होगा। सेट टॉप बॉक्स एक रेंटल स्कीम पर अवेलेबल रहेगा जिसके लिए आपको हर साल कीमत देनी होती है 499 रुपीज, यानी कुल 500 रुपए आपको 1 साल के देने होंगे इस बॉक्स को एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, बस इतना से ही चार्ज है और कुछ नहीं है, यही इसका कुछ बेनिफिट है जो कि आपको मैंने बता दिया है। हर साल आपको रिन्यू 2 साल के बाद हर साल आपको 500 रुपए देकर रिन्यू करवाना होगा अपने सेट टॉप बॉक्स को एक्टिव रखने के लिए। और उसमें आप पूरे 1 साल के भीतर डीडी फ्रीडिश के चैनल्स तो देख ही पाएंगे, साथ ही में आपके जो पेड चैनल्स होंगे डिश टीवी में उसे भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं अलग से। बाकी डिश टीवी ने यह भी कह दिया है कि यहाँ पर डीडी फ्रीडिश के चैनल्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो डीडी फ्रीडिश जो है अपने चैनल्स की संख्या में बढ़ोतरी या कटौती वो अपनी मर्जी से कर सकता है, हमारा इसमें कोई भी अधिकार नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे जिंक सुपर एफटी सेट टॉप बॉक्स के बारे में। बाकी सेट टॉप बॉक्स आपको कैसा लगा, कौन कौन इस बॉक्स को लगवाने में इच्छा जताने वाला है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं तो हैरानी सी बात से कह रहा हूँ कि डीडी फ्रीडिश को अलाउ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि डीडी फ्रीडिश को इससे बहुत ही बड़ा घाटा हो जाएगा, क्योंकि अगर कस्टमर को पेड चैनल को भी सब्सक्राइब करने का मौका मिल रहा है तो वो डीडी फ्रीडिश के बाकी सेट टॉप बॉक्स को क्यों खरीदेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। नमस्कार, माफ कीजिएगा थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन क्या करें पूरी जानकारी देने के लिए थोड़ी सी लंबी वीडियो भी झेलनी पड़ेगी।